शुरू। नमस्कार रमेश जी, बहुत अच्छा लगा आज आप ILDC कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया। आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि आज आप पूरे दिन यहाँ पर रहे, आपने सेशंस अटेंड किए, कुछ में पार्टिसिपेट भी किया, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है, ILDC में मैं लगातार तीसरे बरस आ रहा हूँ, ये तीसरा साल है ILDC का, और मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा अप्रोच है, जहाँ वो तमाम ग्रुप्स जो रेयरली शायद हो सकता है फील्ड में मिलना हो या साल में एक बार ही मिलना हो, और मैं समझता हूँ ये साथ साथ चलने का एक प्रोसेस है, तो ऐसे ये जिसको जर्नी टुगेदर हम लोग कह सकते हैं, ये जर्नी टुगेदर का एक प्रोसेस है जिसको हम लोगों के लिए बहुत सारे लर्निंग स्पेस है यहाँ पे अवेलेबल। जब हम लोग आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जिनको हम नहीं जानते यहाँ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि ये पूरा कॉन्फ्रेंस एक ऐसी गैदरिंग है जहाँ काफ़ी डाइवर्स सॉर्ट ऑफ पीपल जो है वो आ रहे हैं ना, एकेडमिक से आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग हैं, कुछ कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव्स भी है यहाँ, मूवमेंट्स के लोग हैं, NGOs के लोग हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, कैडर्स हैं, हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप जो है वो एक बहुत अच्छा लर्निंग स्पेस अवेलेबल करा रहा है, तो उसको हम लोग निश्चित तौर पर साथ साथ चलने की तैयारी के रूप में देखते हैं। अगर हम लैंड गवर्नेंस की बात करें तो उसमें आपके इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा इशू है जो आपको लगता है सबसे चैलेंजिंग है या जिस पर आपको लगता है ज़्यादा आप काम करना चाहते हैं? देखिए, दो एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों के लिए एकता परिषद का हमेशा से फोकस रहा है। एक हम लोग कहते हैं लैंड टू द लैंडलेस एंड होमलेस पुअर, इसलिए जब 2012 में हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, जन सत्याग्रह किया था, तो भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने उनको कहा था कि नेशनल होम स्टेट गारंटी एक्ट, नेशनल लैंड फॉर्म्स पॉलिसी जैसी चीज़ें लेके आए। तो जो लैंड गारंटी का जो फ्रेमवर्क है ना, हम एक ऐसे जगह में रह रहे हैं, एक ऐसे पॉलिटिकल टाइम में है जहाँ हर चीज़ की गारंटी है, इंफॉर्मेशन गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी और हेल्थ गारंटी और एजुकेशन गारंटी, लेकिन जिसके ऊपर 70% लोग हैं ज़मीन में, गांव में, उनकी गारंटी क्या है कि उस ज़मीन पे मरेंगे तो दो गज ज़मीन भी उनको मिलेगी? इसलिए लैंड गारंटी, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोगों का सबसे बड़ा फोकस है। और दूसरा फोकस जो पूरे खास करके जहाँ पे मैसिव लैंड एक्विजिशन चल रहे हैं, बिना रिहैबिलिटेशन के, बिना डिग्निफाइड रिहैबिलिटेशन के, बिना लोगों का कंसेंट लिए, बिना लोगों को रिकंसीडर किए, बिना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किए, तो हम निश्चित तौर पे इस तरह के प्रोसेस के जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा इस तरीके से उनको सेंसिटाइज करें कि कम से कम लोगों की ज़रूरतें समझ सकें। हम लोग अक्सर कहते हैं कि जिनकी ज़मीन छीन गई उनके लिए क्या बचा, उनके लिए स्लम सेक्टर बचा, तो जिन्होंने भी ज़मीन गंवाई उनके लिए एक ही सेक्टर बचा इस देश में, वो है स्लम सेक्टर। तो हम लोग कहते हैं कि वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनकी भी अपनी डिग्निटी है, उनकी भी अपनी आइडेंटिटी है, इसलिए जब उनसे ज़मीन ली जाती है तो लैंड फॉर लैंड एक बहुत बड़ा जो है वो मसला रहे इस देश में, तब शायद हम लोगों को सम्मान दे पाए। सर, जाते हुए अगर हम इस इशू पर आगे देखें तो आपको विजन क्या दिखता है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या दिखते हैं? देखिए, यहाँ पे जैसे कि लास्ट डे भी हम लोग एक लैंड इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि लैंड इकोसिस्टम का जो पूरी जो विचारधारा है वो काफ़ी अच्छी है, मैं भी खुद उसका एक हिस्सेदार हूँ। आने वाले समय में मैं हमेशा कहता हूँ कि लैंड जो है वो पॉलिटिकल चॉइस है, तो इस पॉलिटिकल चॉइस को इस देश की जनता के साथ कैसे पॉलिटिकल कंपल्शन में बदल सके, मुझे लगता है कि वो इसका सबसे बड़ा सक्सेस होगा। सर, आप आज यहाँ पर आए, थैंक यू।